ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये नंबर सीरीज का है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने तो लोगों को बहुत परेशान किया है, मतलब बहुत लोगों ने क्वेश्चन मुझे भेजा था कि आप प्लीज़ इसको सॉल्व करिए। तो मैं आपको इसका लॉजिक बताने वाला हूँ, शायद लॉजिक देख के आप लोग डर भी जाएं कि TCS रियली मतलब कितने ख़तरनाक लॉजिक्स लगाता है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस हमने निकाला तो हमारे पास आया 12, 13 के बाद आया 5, ठीक है, 5 के बाद आया हमारे पास 32 के बाद आया हमारे पास ये है प्लस का 32 और नेक्स्ट है आपके पास माइनस का 32। ठीक है, तो प्लस का 12, प्लस का 13, प्लस का 5, उसका 5, प्लस का 32 और माइनस का 32। अब आप देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम 10 से पहुँचे 22 तक, तो यहाँ पे हमने किया 12, यहाँ पे हमने प्लस का 12 किया। ठीक है, अब 12 से आप पहुँचे 13 तक। अब 12 से 13 तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, जब आप इसमें प्लस का 1 करेंगे। अब 1 का यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि ये लॉजिक मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। अब 13 से आप पहुँचे 5 तक, अब 13 से 5 तक आपको पहुँचना है तो आप देखेंगे कि आपको 13 - 8 करना होगा, और 8 क्या होता है, 8 होता है आपका 2 का क्यूब। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा 12 से आपने प्लस किया था 1 का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ये था 1 का क्यूब, और नेक्स्ट जो आपका लॉजिक आया मतलब नेक्स्ट था आपका 12 माइन, जैसे आपने यहाँ पे प्लस किया था 1 का क्यूब, फिर नेक्स्ट आपने माइनस करा 2 का क्यूब, तो आपके पास क्या निकल के आया, 5। 5 में अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप प्लस करेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई, 5 और 27 32। ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ पे प्लस कर दिया 3 का क्यूब, अब आप नेक्स्ट में माइनस करेंगे 4 का क्यूब, तो आपके पास वैल्यू आएगी मतलब 32 - 64, तो आपके पास आया -32। नेक्स्ट आप इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे आपने माइनस करा था 4 का क्यूब, फिर नेक्स्ट आप प्लस करेंगे 5 का क्यूब, तो मतलब 100 - माइनस का 32 हमारे पास चल रहा है, हमने प्लस का करा 125, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी नेट प्लस का 93 प्लस 40 हो जाएगा आपके पास 133। तो आप लॉजिक समझिए कि इस क्वेश्चन का लॉजिक कितना ख़तरनाक था कि जैसे 10 से आप पहुँचे 12 तक, फिर 12 में आपने पहले आप करेंगे प्लस 1 का क्यूब, तो आपके पास आया 13, फिर 13 में से आपने माइनस करा 2 का क्यूब, ठीक है, तो 13 - 8 आपके पास आया 5। ठीक है, फिर आपने उसमें क्या करा, जो आपके पास 5 निकल के आया उसमें आपने ऐड करा 3 का क्यूब, फिर नेक्स्ट आपने माइनस करा 4 का क्यूब, फिर नेक्स्ट आपने प्लस करा 5 का क्यूब। तो लॉजिक काफ़ी ट्रिकी था। आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँचे कि इस टाइप के लॉजिक्स भी TCS पूछ सकता है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने प्लस माइनस क्यूबिंग की थी, वो प्लस माइनस में स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, पावर 4 भी कर सकते हैं, इस टाइप के वेरिएशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।